वो कह रहे हैं कि अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है, वो अदालत जा रहा है, तो उसके इस अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं? जी रोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, आज इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से भी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भी आज आपसे बात करना चाहूंगा। रोहित भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मुंशी राजा साहब की बात सुन के कि इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। क्या विनय कटियार जी इनके भाजपा के प्रमुख नेता नहीं है? अगर विनय कटियार जी इस मामले पर बहुत प्रखर होकर के और बहुत प्रमुखता से इसको बात रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा इसमें सम्मिलित है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे मुद्दे प्रॉक्सी के तौर पर लाए जाते हैं। जिस तरीके से देश में रोजगार के मुद्दे पर युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है, किसानों के मुद्दे पर लगातार जो है फार्म बिल के ऊपर जो है देश भर में किसानों का गुस्सा है, ट्रैक्टरें जलाई जा रही है, रेल को रोका जा रहा है, जिस तरीके से GDP जो है माइनस में चली गई, तमाम वर्ग में जो है मोदी जी के खिलाफ गुस्सा है, सरकार के खिलाफ है गुस्सा है, उसको डाइवर्ट करने में इस तरह के प्रॉक्सी लाई जाती है। अच्छा, वर्ल्ड में भी जानकारी रखते हैं आप, ठीक है सर। जी, वर्ल्ड में मोदी सरकार से गुस्सा है मेरे पास, ठीक सर, ओके। बिल्कुल देखिए, मूड ऑफ द नेशन आपने किया ना, आप मूड ऑफ द नेशन आप करा के देख लीजिए कि क्या है मूड ऑफ द नेशन। नहीं नहीं सर, मैं मूड ऑफ द नेशन पे तो बोला ही नहीं, आपने कहा तमाम वर्ल्ड में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में गुस्सा है तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है सर। नहीं, मैं वर्ल्ड नहीं कहा, मैंने कहा वर्ग, तमाम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, तमाम वर्ग में, ठीक सर, मेरी गलती, मैं दुरुस्त करता हूँ। स्टूडेंट डिसलाइक है, आप बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, आप बिहार में पप्पू यादव की पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठेंगे जाके, क्या वहां पर यादव वोट बैंक में सेध नहीं लगाएगा बीजेपी का? ये मुद्दा अगर बीजेपी का है तो क्या हम कृष्ण जन्मभूमि को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं मैदान में? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी कभी भी यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के बुनियाद पर नहीं, बल्कि आपकी पार्टी ने देखी बिहार का चुनाव तो उसी पे होता है सर, बिहार को रोजगार, शिक्षा, सड़कें, और हम बाढ़ के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और हमेशा से हमारी पार्टी जात धर्म संप्रदाय से उठ करके राजनीति करती है। मैं कहता हूं कि अभी आपने देखा कि पटना में पिछले दिनों हमने जब विरोध किया किसान बिल का, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो कह रहे हैं, मेरा जवाब उस पे एक्सपेक्टेड है, मैं इंतजार कर रहा हूं आप कब बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि तीन मंदिर नहीं, जो हजारों तोड़े हैं, किन लोगों ने तोड़े हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये मोहसिन रजा के शब्द है, उन लोगों को खुद आके कहना चाहिए, वो कह रहे हैं कि दुरुस्त करते हैं, चलिए इसको। रोहित जी, मैं इस पर बात कर देता हूं। देखिए, क्या विष्णु शंकर जैन जी को नहीं पता है कि 1991 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट है, ऑलरेडी कानून है, जब तक पार्लियामेंट में उसको बदला नहीं जा सकता तब तक क्या इस पर याचिका दायर करने का कोई मतलब बनता है? ओके, इसको पता होने के बाद मैंने दावा दायर किया, मुझे बोलने का मौका नहीं, अभी आएंगे आपके पास। 1968 का जो 1968 का जो समझौता है विष्णु जी, क्या वहाँ के लोकल पुजारी, अभी जैसे रोहित जी ने बताया और मेरे पास भी वो था, मैं बोलने वाला था लेकिन भाई ने पहले ही बोल दिया कि लोकल लोग खुद कह रहे हैं कि आप बाहरी लोग आकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। मतलब अगर के केस में भी लोकल, अगर विष्णु जैन प्रॉक्सी हो सकते हैं आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी के, तो लोकल जो जिसका आप बयान दिखा रहे हैं या मैंने बताया अभी, वो प्रॉक्सी नहीं हो सकता किसी का। आपके यहाँ रोशनी चली गई है जी, माजरा चाहूंगा। नीतीश जी के बिहार का यही हाल, नीतीश जी के बिहार का हाल देख लीजिए कि बिहार इसी तरीके से अंधेरा में है, और जब हमारी पार्टी जीत कर आएगी तो हम बिहार को अंधेरे से बाहर लेकर आएंगे। चलिए सर, पप्पू यादव के साथ आप कितने अंधेरे से बाहर लाएंगे तो समय बताएगा। अभी मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि के विवाद का, आपके चुनाव प्रचार का नहीं है। संगीत रागी, आपके पास आ रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब 91 का एक्ट है, सारे विवादों के ऊपर समझौता हो चुका है, जब समझौता हो चुका है तो फिर अदालत में क्यों जाना, क्यों राजनीति चमकाने के लिए जाना है क्या? संगीत रागी बोलिए। देखिए रोहित जी, अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीनों मंदिरों का उद्धार जो है वो भारत के हिंदू समाज का संकल्प था, भारत के संतों का संकल्प था, जो संगठने आई इस आंदोलन का हिस्सा बने वे बाद में बने हैं, लेकिन ये मूलतः ये भारत के हिंदुओं का संकल्प था। और वो बार बार ये दोहराया जा रहा था कि देखिए 3000 से ज्यादा हिंदुओं के मंदिरों को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर के तोड़ा, और आप ध्यान दीजिए कि कृष्ण, शिव और राम हिंदुओं के महत्वपूर्ण आराध्य देवों में से एक हैं। ठीक किसी ने कहा कि वो हमारी संस्कृति के प्रमाणिक स्तंभ हैं, और वहीं जाकर के यदि मस्जिद खड़ी की गई है तो जानबूझकर के हिंदुओं को
दलित करने के लिए, अपमानित करने के लिए ये ध्वंस किए गए हैं। इतिहास के इस चीज को करेक्शन करने की आवश्यकता है। जो 1991 का जो एक्ट आया वो मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि ये जानबूझकर के जो मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा, इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा जो इस देश में विध्वंस किया गया था, उस विध्वंस को उसी रूप में रहने के लिए जहां पर मस्जिद मंदिर तोड़ करके मस्जिद स्थापित कर दिया गया उसको जारी कर रहने के लिए एक प्रकार से यह कानून लाया गया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।